नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज के सभी क्वेश्चनों को डील कर रहे हैं एक्सरसाइज के। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्रोसीड करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लेना। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 2560 रुपये 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो आपको यहाँ क्या क्या दिया गया है, देखिए आपको मूलधन दिया गया है, आपको दर दी गई है, ये आपका मूलधन दिया, ये आपकी दर दी गई है, वार्षिक दर दी गई है आपकी, और आपका समय दिया गया है 4 वर्ष। फिर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, तो आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन में प्रश्न में जो दिया गया उसे हमको लिख लेना है। तो मूलधन बराबर हमको कितना दिया है, 2560 रुपये हमें मूलधन में दिया गया है ये, ठीक है। इसके बाद जो दर दी गई है वो हमें 12.5% दी गई, जैसे आप देख सकते हैं ये 12.5%, दर बराबर 12.5%, समय बराबर हमें 4 वर्ष दिया गया, जैसे हमने समय बराबर 4 वर्ष लिख लिया है। इसके बाद आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ, तो इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ये आपको सॉल्यूशन के अंतर्गत लिखना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब हमें यहाँ सूत्र लगा देना है। तो अब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन कोष्टक में 1+ दर/100 पावर समय की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2560 आपका मूलधन है, प्लस वन वन प्लस 12.5, तो 12.5 लिख दिया, बट्टे में हमने 100 दिए, 100 लिख दिया। अब हमने यहाँ से पॉइंट आया तो नीचे 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो गया नीचे, अब 1000 हो गया तो हमें इसे कितने से 25 से काट लिया, तो कितना आ गया ये, जब हमने पॉइंट आया तो 125/1000 आ गया, कितना आ गया, 1000 आ गया, 25 से काट दिए, 25 पंजे 625 होता है, और यहाँ पर 25 चौक 100 होता है। फिर हम इसे 5 से काट देंगे तो 5×2=40, यानी 1/8 आ जाएगा, 1+1/8 हो जाएगा। अब जब इसे करेंगे तो 8×1=8 और 1×9=9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9/8। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाएंगे, ये भी आप स्टेप देख लीजिए, यहाँ पर 4 की पावर चढ़ी हुई है, 9/8 लिखा हुआ है, अब पावर में 4 चढ़ी हुई है समय वाली। तो आगे बढ़ेंगे और आगे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की हुई है, 9×9×9×9 4 बार क्यों लिखा, क्योंकि 4 की पावर चढ़ी हुई थी, इसलिए 8 बार 8 8 8 8 4 बार लिखेंगे। देखिए फिर हमने 8 से काटा है, फिर हमने 8 से काटा है, फिर 8 से काटा है, इसके बाद हमारा कितना आया है, तो आप देख सकते हैं हमारा 5 निकल के आया है ऊपर, तो 5×9×9×9×9/8। अब यहाँ पर हमने सब जो ऊपर है एक एक स्टेप में एक एक नंबर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए देखो 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है, तो 729×9×5। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने 9 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक अगले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में हम 5 का मल्टीपल कर देंगे इसके अंदर, तो अगले स्टेप में हम 5 का मल्टीपल करने के पीछे हमने क्या करा, इससे हमने 0 बनाया, तो हमने यहाँ 2 का मल्टीपल ऊपर कर दिया, 2 का मल्टीपल नीचे कर दिया, तो ऊपर हमारा एक 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 का मतलब क्या है, 10 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर हमने यहाँ पर 10 यानी 0 रख दिया, बट्टे में 16 आपके हैं, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया, 16 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर ये निकल के आएगा 4100.625 रुपए। तो यही आपका हो जाएगा क्या, मिश्रधन, जो कि आपको मिश्रधन निकल आया। अब आपसे पूछा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप मिश्रधन में से, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मिश्रधन को मूलधन में से घटा दीजिए, नहीं नहीं मूलधन को मिश्रधन में से घटा दीजिए। तो वही हमने यहाँ देखिए मिश्रधन रखा हुआ, मिश्रधन की जगह मिश्रधन, मूलधन की जगह मूलधन, और चक्रवृद्धि ब्याज की जगह चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या निकल जाएगा, तो मिश्रधन में से मूलधन घट जाएगा, तो ये मिश्रधन में से मूलधन घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा आंसर, 1540.625, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 डील कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा हुआ है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करिए। तो यहाँ मिश्रधन भी पूछ रहा है आपसे, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ रहा है, तो दोनों आपको बताना है। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ मूलधन हमको दिया गया है 1 लाख, दर दी है हमें 10%, समय 3 वर्ष दिया हुआ है, हमें मिश्रधन पूछा हुआ है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है। इसी तरीके से ये सेम टू सेम आपको पेपर में लिखने हैं, ये चीज़, ये सेक्शन आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये वाला
इस तरीके से ये आप लिख कर आएंगे ताकि जो एग्जामिनर है उसे पता चले कि बच्चे को पता है कि उसे प्रश्न में दिया क्या गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है पेपर में जाकर। अब इसके बाद आप लगा देंगे फॉर्मूला। तो मिश्रण बराबर क्या होता है, मूलधन 1 + r/100 और टोटल पावर कितना हो जाएगा, समय का पावर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देंगे और इसे सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हमने क्या करा, 1 लाख वैल्यू रख दी मूलधन, 1 + 10/100 है तो हमने 10/100 यानी 10 से हम इसे काट देंगे, 0 1 0 कट जाएगा, 10 1 10 और 1 11, 11/100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस पे पावर टोटल पे 3 है आपकी। तो अब इसे देखिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहा, देखिए तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस क्यूब्स को खोल दिया। तो 11 × 11 × 11/10 × 10 × 10 तो इस 10 से 1 0 गया, दूसरे 10 से 2 0 गया, तीसरे 10 से 3 0 गया, कितना बचा, केवल 100। और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। वही देखिए यहाँ पर मैंने पूरा 1000 करके काट दिया था, तो आप भी ऐसे काट सकते हैं, 1331, और 1331 पे 2 0 चढ़ा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्रण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये मिश्रण निकल जाएगा। अब मिश्रण के बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में आपको बहुत आसानी है, क्यों, क्योंकि आप सीधा मिश्रण में से मूलधन को हटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रण माइनस मूलधन। तो मिश्रण में से हमने क्या, मूलधन घटा दिया, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया कितना, 3300। तो ये आपका 3300 रुपये आपका निकल आया, क्या आपका निकल आया, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को कर पाएंगे, अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने दोनों क्वेश्चनों को डील करा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप जरूर हमें कमेंट कर दीजिए, वरना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।